अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ट्राउज़र की कटिंग भी इसमें हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे और इसमें हम उसके साथ साथ आपको बहुत प्यारा सा पोंचा डिज़ाइन भी बनाना सिखाएंगे। जब भी आप कपड़ा लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 2.5 मीटर्स का कपड़ा देते हैं ट्राउज़र के लिए, जो कि इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। या आप ब्रांड के कपड़े लेते हैं या बना बना लेते हैं तो वो इस तरह का होता है। अब देखें, ऊपर हमने क्योंकि इलास्टिक डालनी होती है तो उसका एरिया तो मैंने अलग से कवर कर लिया। ये कुछ ऑर्गेन्जा का कपड़ा था जो मेरे पास फालतू में पड़ा हुआ है, आपको पीसेस में भी मिल जाएगा, तो ये मैंने ले लिया डिज़ाइन बनाने के लिए। अब आप जो इतनी मेजरमेंट के चक्कर में पड़ेंगे इंची टेप से, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपना जो ट्राउज़र जो आपको पूरा है और जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं वो लेके और आप निशान लगा लें, ठीक है। और ये देखें, जब आप यहाँ नेपे तक पहुँचेंगे तो आपने इधर से थोड़ा सा क्रॉस में लेके ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है। हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो आपको इशू ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने ऊपर से इसकी कटिंग कर ली, लेकिन फ्रेंड्स इस ट्राउज़र में क्योंकि मैं इसका पोंचा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो इसलिए मैंने ये जो कपड़ा है ये इसको कटिंग नहीं की, ठीक है। इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको आपने कट नहीं करना। सिंपल मैं इस कपड़े को छोड़ दूँगी और मैं इधर से आगे से जो है वो उसकी कटिंग कर लूँगी। जितनी ज़्यादा आपकी कटिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्टिचिंग अच्छी होगी। स्टिचिंग से ज़्यादा कटिंग की इम्पोर्टेंस है स्टिचिंग एंड कटिंग में। अगर तो आप टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कटिंग कैंची आपकी कैसे पकड़ते हैं और आपकी कैंची चलाने का तरीका क्या है, तो फिर जो है वो आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है, ट्राउज़र का कपड़ा है, ठीक है। ये मेरे पास बुकरम है, इसको आपने फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने इस तरह गोल सा एक बना लिया, ये सारा एक जैसा निकलेगा। ऑलरेडी हम आपको एक ट्राउज़र दिखा चुके हैं जिसमें हमने इस तरह की एक चीज़ हमने आपको सिंपल एक कैजुअल ट्राउज़र बनाना सिखाया था, जिसमें हमने इस तरह ले लिया था। साइडों से आपने नहीं काटना क्योंकि ये मैंने इकट्ठा स्टिच करना है, ये आप शक्ल देख सकते हैं। इस तरह आपने बुकरम से काट लेने हैं, ठीक है। ये मैंने दो डबल काटे हैं, अगर आपको बड़ी स्ट्रिप में मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब ट्राउज़र के कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके ऊपर मैंने रख के इसे मैं अच्छे से बुकरम को चिपका लूँगी कपड़े से। अगर आपको इस वीडियो में इस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरा ट्राउज़र देख सकते हैं, जो वाइट एक कैजुअल ट्राउज़र की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऊपर से भी आपने इसको लगा लेना है और फिर आपने दोनों को स्टिच करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ साइड से और इसको मैं डबल करके इसको मैंने स्टिच करना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब हम मैं यहाँ से स्टिचिंग कर लूँगी। नीचे भी कपड़ा है फ्रेंड्स और ऊपर भी कपड़ा है, ठीक है। ऊपर बुकरम है और नीचे कपड़ा है एक्स्ट्रा। अब इन दोनों को ये देख सकते हैं आप, दो पीस हैं। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं कि ये कैसे था ये कैसे, तो बहुत मुश्किल होता है कमेंट्स में आपको समझाना। अब ये देखिए, जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा था इसको मैंने, क्योंकि इस पर मैंने प्लीट्स बनानी है, प्लीट्स बनाना आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं आता तो आप मेरी वीडियोज़ में देखें, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं जिसमें मैंने प्लीट्स बनाना सिखाई हुई। ये आपने इस्त्री से इस तरह फॉर्म दे देनी है इसको, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी इस तरह दे देंगे, ठीक है। इसको आपने करके इस तरह लाइंस की फॉर्म में आ जाएगा, तो आपने पकड़ के सिंपल इसकी सिलाई कर लेनी। ये एक स्ट्रिप है अलग से, ठीक है, जिस पे मैं ये काम करूँगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी इस चीज़ की तरफ। इसको आपने कर लेनी है स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के बाद इसको आप सीधा करेंगे, सीधा करके आपके पास एक डिज़ाइन आ जाएगा। ये फ्रेंड्स, मैंने इसकी सारी स्टिचिंग कर ली। अब मैं बीच बीच से थोड़ा सा काट देती हूँ ताकि इसको सीधा करना जो है वो मेरे लिए आसान हो। सिंपल आपने इसे फिर बिल्कुल सीधा कर लेना है, ठीक है। ये देखेंगे मैंने सीधा कर ली, ये मेरे पास आ गया है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है नीचे, वो आप देख सकते हैं। अब जो मैंने लॉन्ग स्ट्रिप ली थी ऑर्गेन्जा की, वो लेके मैं इसको इस तरह करके इसको मैंने स्टिच कर लेना है।
ये एक तरह की ऑर्गेन्जा की लेस बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ जो आप ट्राउज़र के बीच में लगाएंगे, ठीक है। ये वो लेस होती है जो हम कपड़े के बीच में यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली ऑर्गेन्जा की बनी हुई होती है। अब आप अगर ट्राउज़र देखें, जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उस पर मैंने इस तरह तकरीबन 2-3 उंगलियों के फासले से मैंने उनको प्रेस कर लिया है, तो 3 खाने मेरे पास आ गए हैं। अब इन 3 खानों में मैंने क्या करना है, इनमें मैंने बनानी है प्लीट्स, ठीक है। प्लीट्स बनाना बहुत आसान है, सिंपल, आप उन्हें निशान लगाने होते हैं, जिस तरह इस पे मैंने लगा लिए हैं। ये कैसे लगाए हैं मैंने, ये मैंने लगाए हैं इस्त्री से। अब निशान लगाने के बाद सबसे पहले जो ऊपर वाला एरिया उस पे मैं एक प्लीट डाल लेती हूँ। ये फ्रेंड्स मेरी एक प्लीट जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी लग रही है। बिल्कुल ज़रा सा आपने फासला रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। अब ये दूसरी प्लीट मैं बना रही हूँ। अगर आपको प्लीट्स बनानी नहीं आती तो आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं, और मैंने इस तरह का एक प्लीट्स कुशन भी बनाना सिखाया है, उससे भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि मैंने प्लीट्स कैसे बनाई हैं। मैं भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक किया करें, मैं उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो उसमें डाल देती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए हर चीज़ की। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने 2 प्लीट्स ऊपर डाल ली हैं, ठीक है। ये वो कपड़ा है जो मैंने एक्स्ट्रा ट्राउज़र के साथ छोड़ दिया था। अब हम तीसरी प्लीट डालने लगे हैं। नाउ फ्रेंड्स, 0 प्लीट्स डालने के बाद जो चौथा निशान लगाया गया था उधर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। इसको मैं काट रही हूँ, इसको मैंने दोबारा चिपकाना है, ठीक है। इस कपड़े को आपने फेंकना नहीं है, साइड पे करके आप रख लें। अब फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेन्जा था इसके ऊपर ये देखिए मैंने प्लीट्स डाल ली हैं, ठीक है। इस तरह आप भी इस पर प्लीट्स डाल लेंगे तो आपके पास एक बनी बनाई ऑर्गेन्जा की लेस आ जाएगी। अब 3 प्लीट्स के बाद ये देखिए मैं इस जो मैंने बनाया है प्लीट्स का ऑर्गेन्जा लेस बनाई है, इनर लेस है, तो इसको मैं इसके साथ चिपका दूंगी, स्टिच कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, इस ऑर्गेन्जा की लेस को हम इसके साथ चिपका लेते हैं। ये करने के बाद आपने इसका जो एक्स्ट्रा पीस है वो काट दिया। अब आपके पास जो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा जो कपड़ा रह गया था जो हमने काटा था पहले इसके साथ से ट्राउजर के, वो आप लेके और इसको आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसको आपने इसके साथ स्टिच कर लेना है। जो इसका एंड है उसको मैं पहले थोड़ी सी पाइपिंग कर लूँगी, इस तरह बंद कर लूँगी, ठीक है। इसको आप स्टिच कर लें इस तरह, और स्टिच करने के बाद हमने जो एक लेस बनाई थी बुकरम की वो इसके साथ लगा के आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये बिल्कुल एंड में हमने लगानी है, ठीक है। आप चाहे तो वी शेप में भी बना सकते हैं, मैंने गोल बनाई है, आप चाहे तो वी शेप में भी बना सकते हैं। ये दोनों आजकल बहुत चल रही हैं, इस तरह के डिज़ाइंस बहुत आए हुए हैं, तो आप इसको बहुत इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका है। इसको आपने फिर इस तरह करके जितना भी आप खुला रखना चाहते हैं उसके बाद आप इसको स्टिच कर लें और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। इसकी आप लेंथ कितनी रखते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे ये बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता और बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं होता, तंग बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुला नहीं अच्छा लगेगा, ज़्यादा ये आपका नॉर्मल साइज़ का ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। तो चाहे तो आप ये जो नीचे मैंने लेस लगाई है आप किसी और कलर की भी लगा सकते हैं, और ऑर्गेन्जा का कलर भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो प्लीट्स अगर नहीं आती आपको बनाना तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वो दे दी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह प्लीट्स बनानी है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।